नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ देखेंगे और उसके बाद एक और पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि इसके प्रूफ में बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेट्स सी द प्रूफ। सो लेट कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थेटा हम एज्यूम कर लेते हैं, फिर यहाँ से आगे माइनस एक्स इक्वल टू कोट थीटा, देन एक्स इक्वल टू माइनस कोट थीटा, और उसके बाद हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू, ये जो माइनस कोट थीटा है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोट पाई माइनस थीटा, क्योंकि अगर आप यूनिट सर्कल से देखें तो कोट पाई माइनस थीटा जो है ना वो माइनस कोट थीटा होता है। और यही वो पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि कोट पाई माइनस थीटा जो है ना वो तो माइनस कोट थीटा होता है, लेकिन अगर आप कोट माइनस थीटा भी लिखते सिर्फ तो वो भी माइनस कोट थीटा होता, तो क्यों हमने कोट पाई माइनस थीटा लिखा? इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले देख लेते हैं यहाँ से आगे का प्रूफ। अब आगे ये कोट जो है इसको हम यहाँ पे ले लेंगे तो वो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा हो जाएगा, उसके बाद कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस, ये जो थीटा है इसकी जगह पे हम ले लेंगे कोट इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि थीटा जो है वो कोट इनवर्स माइनस एक्स है। उसके बाद ये कोट इनवर्स माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँ और कोट इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में ले लूँ अगर, तो इट विल बी कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और ये एक्चुअल प्रूफ है इस प्रॉपर्टी का। लेकिन जैसे मैं बोल रहा था, अगर ये माइनस कोट थीटा है उसकी जगह पे कोट माइनस थीटा लेंगे तो सिचुएशन हमारे सामने कैसी होगी वो भी देख लीजिए। और अगर ये जो माइनस कोट थीटा है इसकी जगह पे हम कोट माइनस थीटा लिखे तो भी वो माइनस कोट थीटा ही होता है, फिर इसके आगे क्या होगा? तो ये कोट अगेन इस साइड आके कोट इनवर्स एक्स बन जाएगा और यहाँ पे होगा माइनस थीटा, फिर कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस, और अगेन थीटा के प्लेस पे अगर कोट इनवर्स माइनस एक्स रख दे तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स माइनस एक्स, और फाइनली अगर दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ देन इट विल बी लुक्स लाइक कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो देखिए, पहले हमने प्रूव किया कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और एक्चुअल में यही आंसर होता है। लेकिन दूसरी बार मैंने प्रूव किया तो कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसके माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि हमें ऐसा ही क्यों करना है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि कोट इनवर्स एक्स है उसका रेंज क्या होता है। तो कोट इनवर्स एक्स है उसका रेंज 0 to π होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके सामने कोट इनवर्स एक्स फंक्शन होगा तो उसका आंसर जो है ना वो ऑलवेज 0 to π में होना चाहिए। और अभी क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कोट इनवर्स देख रहे हैं उसके इक्वल टू हमने थीटा एज्यूम किया है, तो क्लियरली थीटा शुड बी इन द रेंज ऑफ कोट इनवर्स माइनस एक्स, और वो है 0 to π, तो ये जो थीटा है ना वो 0 to π में होना चाहिए। क्लियर? अब अगर आगे की बात करें तो आपने दूसरे मेथड में यहाँ पे मैंने जिस तरीके से प्रूव किया है ऐसा क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन भी सुन लीजिए कि यहाँ पे हमारे सामने है एक्स इक्वल टू कोट माइनस थीटा, उसके बाद हमने किया कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, तो ये जो कोट है ना इसको इस साइड में लेके कोट इनवर्स तभी कर सकते हैं अगर इसका आंसर जो है वो 0 to π में हो। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो थीटा है वो 0 to π में हमने एज्यूम किया है, मतलब कि थीटा कुछ इस तरीके से है। अब अगर माइनस थीटा की बात करें तो सब जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस थीटा और माइनस पाई, और आप जानते होंगे कि इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है,
इसका मतलब ये होता है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स करके लिखूं तो ये माइनस पाई लेस देन माइनस थीटा लेस देन जीरो ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस थीटा है उसकी वैल्यू माइनस पाई टू जीरो में है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस थीटा इज आउटपुट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो वो तो जीरो टू पाई में होना चाहिए लेकिन वो है माइनस पाई टू जीरो में। इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं ये जो कॉट इनवर्स एक्स का आंसर है माइनस थीटा, इट डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, इसलिए हम इस तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। तो अब आप बोलेंगे कि चलिए आपने जो प्रूव किया है उसमें भी तो चेक करके बताइए। तो उसमें देखिए यहाँ पे मैंने पाई माइनस थीटा इसलिए किया है क्योंकि पाई माइनस थीटा जो है ना वो कोट इनवर्स एक्स की रेंज में है। देख लीजिए कि जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे माइनस थीटा माइनस पाई टू जीरो में है, अब अगर आपको पाई माइनस थीटा के लिए चेक करना है तो तीनों जगह पे अगर आप पाई ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे अगर आप ऐड कर दे पाई तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे पाई ऐड करने से ये हो जाएगा पाई। तो अब आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे होंगे कि पाई माइनस थीटा जो है ना वो जीरो टू पाई में है। इसका मतलब अगर आप कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो तो कोट इनवर्स की रेंज जीरो टू पाई में है। तो ये रीजन था दोस्तों कि ये जो कोट इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी है उसका आंसर ये आएगा, और उसका प्रूफ हम इसी तरीके से कर सकते हैं। और ये जो हमने आपके माइंड में अगर डाउट है कि ऐसे क्यों नहीं कर सकते तो ये उसका रीजन है। इस वजह से कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स नहीं होता है, और ये जो हम प्रूव अगर करें तो वो मेथड भी हमारा गलत हो गया। सो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। थैंक यू सो मच।